ठीक है, आज हम बात करेंगे फोर्थ ओडीआई जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में कराची में खेला जाएगा। जी हाँ गाइस, ये ओडीआई सीरीज जो चल रही है उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी 3 ओडीआई जीत चुकी है। अब हम बात करेंगे कि चौथा ओडीआई जो होने वाला है वो किस तरीके से चल सकता है गाइस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले गाइस, या जो लोग ड्रीम इलेवन या फैंटेसी लीग खेलते गाइस, तो फाइनल टीम टॉस के बाद में हमारे टेलीग्राम पे आपको मिली जाएगी। साथ में गाइस काम देखिए जाके, वहां पे हमारी टीमों ने लाखों रुपए कमाए हैं। साथ में एक्यूरेट रिपोर्ट आपको जैसे आईपीएल की हो गाइस, आईपीएल में बैक टू बैक हम चेकपॉट मैचेस के प्रेडिक्शन दे रहे गाइस। साथ में लोग हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में लोग अच्छा पैसा कमा रहे गाइस। तो इस मैच के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि गाइस पाकिस्तान ने लिमिटेड ओवर सीरीज के तीसरे मैच में तो वो जीत ही चुकी थी, पर कहीं ना कहीं जो चौथा मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पिछले मैच में इमामुल हक, बाबर आजम, नसीम शाह ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था पाकिस्तान के लिए गाइस, और न्यूजीलैंड से मैट हेनरी, टॉम ब्लेडल और कोल मैकेंजी ने अच्छा परफॉर्म किया था। मगर पाकिस्तान की बात करें गाइस, यहां पे तो टीम में एक बदलाव कर सकती हूं। इस मैच के लिए मोहम्मद नवाज की जगह उस्मान मीर लेंगे, क्योंकि गेंदबाज ऑलराउंडर जो मोहम्मद नवाज है उनके हाथों में चोट लग गई है, इसलिए वो लोग वह ये मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह ये उस्मान मीर ये मैच खेलेंगे गाइस, तो आपको अपनी टीम में उन्हें रखना है। साथ में की प्लेयर्स गाइस मैंने आपको बताई दिए, इमामुल हक, फखर जमान, अब्दुल शफीक और बाबर आजम, पर मोहम्मद रिजवान भी की प्लेयर साबित होंगे गाइस, तो उन्हें भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड के लिए इस मैच के लिए गाइस आप मैट हेनरी को जरूर रखिएगा, एडम को रखिएगा, निकोलस को रखिएगा, हेनरी शिपले को रखिएगा, रविंद्र चंद्र को भी रख सकते हैं, जिमी नीशम जो कि ऑलराउंडर होने भी। साथ में गाइस मार्क चैमैन और टॉम लेथन कहीं ना कहीं आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन का रोल निभा सकते हैं गाइस, क्योंकि गाइस ये जो टॉम लेडल है जो इस मैच में आए थे, इन्होंने विकेट कीपर का रोल काफी अच्छा अदा किया था गाइस, और इन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था। वो बात अलग है कि ये रन आउट हो गए, इनके स्टार परफॉर्मर भी थे, मगर की प्लेयर्स गाइस टॉम लेथन और विल यंग साबित हो सकते हैं। अब साथ में गाइस पिच की बात करें तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है गाइस, आप देख लीजिए 280 प्लस समथिंग का स्कोर बनता है यहाँ पे। पिच जो है गाइस वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है और फास्ट बॉलर्स को, बट ऑलराउंडर्स को ज्यादा रखिएगा गाइस अपनी टीम के अंदर, क्योंकि ऑलराउंडर यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल गाइस, ऑलराउंडर को काफी रखिएगा। साथ में गाइस अगर आपको फाइनल टीम चाहिए ड्रीम इलेवन की तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में गाइस आपको फुल डिटेल एनालिसिस हमने इस वीडियो में दिए, आपको फुल डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे mkingsports.com पे चाहिए, हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको आईपीएल के हर मैच की, हर सिंगल मैच की फुल डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मिल रही है गाइस। साथ में हम जैकपॉट पे जैकपॉट क्रैक कर रहे हैं, लोग मोटा पैसा कमा रहे गाइस, वो भी आप जाके हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम को गाइस फॉलो कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। तो गाइस T20 सीरीज चल रही है गाइस इंडिया के अंदर, पर पाकिस्तान में वनडे चल रही है, तो आप ये सीरीज भी चाहे तो देख सकते हैं जो कि सोनी लिव पे आने वाली है गाइस। बिल्कुल, तो गाइस थैंक यू अपना इतना प्यार देने के लिए हम लोगों को, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। भारत का उभरता हुआ नया स्पोर्ट्स चैनल है गाइस, आपका प्यार चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। साथ में गाइस बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। ओके।